सतगुरु देव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। करवा चौथ उत्तर भारत के खास त्योहारों में से एक है, जो खास तौर पर विवाहित महिलाओं के लिए होता है। यह हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे सौभाग्यवती अर्थात सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा के दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्या पत्नी के अन्न जल त्यागने से पति के प्राणों की रक्षा हो सकती है? करवा चौथ के दिन व्रत रखने के बावजूद उन पतियों की मृत्यु क्यों हो जाती है जिनकी पत्नियां यह व्रत करती हैं? क्या वे अपने पतियों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करती होंगी? दर्शकों, आज के हमारे इस करवा चौथ स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे करवा चौथ के व्रत से जुड़े ऐसे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वास्तव में करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास एपिसोड को। प्रश्न एक, हर साल उत्तर भारत की ज्यादातर महिलाएं और अविवाहित लड़कियां करवा चौथ व्रत रखती हैं। आखिर इस व्रत को रखने का क्या उद्देश्य है? पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था और कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपार सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार जब देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। तब सभी देवियां ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने पूछा कि वे अपनी पतियों की रक्षा के लिए क्या कर सकती हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार सभी देवियों ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे देवताओं की रक्षा हो सकी। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। दर्शकों, करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना जाता है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिने अपने पति की दीर्घ आयु हेतु रखती हैं और कुछ कन्याएं यह व्रत अपने लिए अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना हेतु रखती हैं। भारतीय संस्कृति में पति का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महिला चाहती है कि उसके पति की आयु दीर्घ हो एवं उसकी मृत्यु के पहले उसके पति की मृत्यु न हो, किंतु वे इसका सही उपाय जाने बिना लोक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत रखना शुरू कर देती हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसे किसी भी व्रत का वर्णन हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में नहीं है, जिससे करवा चौथ व्रत रखना एक मनमाना आचरण है और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसका आपको आगे गीता से प्रमाण सहित जानने को मिलेगा। प्रश्न नंबर दो, करवा चौथ व्रत लंबे समय से चलता आ रहा है और हमारे धर्मगुरु कथावाचक भी इस व्रत का महत्व बताते हैं, तो क्या वे गलत हैं? तथा व्रत के संबंध में हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण है? करवा चौथ भारत में अब बहुतायत में किया जाने वाला व्रत बन चुका है, जो कि लोक वेद
यानी सुनी सुनाई लोक मान्यताओं के अनुसार रखे जा रहे हैं, जिसका मूल कारण हमारे धर्म गुरु व कथावाचक ही हैं, जिन्हें स्वयं तो धर्म शास्त्रों का ज्ञान है नहीं और मानव को मार्गदर्शन कर रहे हैं, यानी स्वयं तो गलत ज्ञान देकर मानव समाज को गुमराह करके डूब ही रहे हैं, साथ ही मानव समाज को भी गलत साधनाएं करवाकर डुबो रहे हैं। दर्शकों, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि इन्हें वास्तव में गीता का ज्ञान होता तो ये कभी भी किसी भी तरह का व्रत रखने के लिए मानव समाज को प्रेरित नहीं करते, क्योंकि श्रीमद् भगवद् गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यू है पेट दड़ी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो कोन्या, और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सत्र का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिस शांति मिला पता ही है, ब्रह्म लोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है और ये एकादशी का व्रत तो बहुत में तो पूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। वहीं व्रत के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सद्गुरु भाखे। अर्थात अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम, यह शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना है। चलिए अब जानते हैं पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना करने से क्या लाभ होता है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सोड़ में जाएगा 24 वसल, इससे तेरे लिए करते हो रहे कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। दर्शकों, इससे सिद्ध हुआ कि करवा चौथ के व्रत से संबंधित कोई कथा हमारे सद ग्रंथों जैसे कि पवित्र गीता जी और पवित्र पांचों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सूक्ष्म वेद में कहीं लिखी ही नहीं है। वही हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पिता की पुत्री का विवाह हुआ। विवाह पश्चात पुत्री ने देखा, देखी वश अपने पति की लंबी आयु की कामना वश पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर अपने ही पिता से पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। अब स्वयं विचार करो, पिता के लिए जितनी महत्वपूर्ण बेटी की आयु है उतनी ही पुत्र की आयु भी होती है, तो क्या वह पिता बेटी के अन्न जल को त्याग देने से उसके पति की आयु बढ़ा देगा? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के सभी बच्चे हैं, तो वह परमात्मा पत्नी के व्रत रखने से उसके पति की आयु कैसे बढ़ा देगा? लेकिन यह सत्य है कि यदि प्रत्येक मानव परमात्मा की सतत भक्ति करे तो उसकी आयु को परमात्मा जरूर बढ़ा सकता है, जिसकी वेदों से प्रमाणित जानकारी आपको आगे जानने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 3, सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि करवा चौथ का व्रत करने व उसकी कथा सुनाने वाले गधे बनते हैं, क्या सच में करवा चौथ की कथा पढ़ने और सुनने से गधी की योनि प्राप्त होती है? हाँ, यह सत्य है कि करवा चौथ के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं वो उसकी कथा सुनाते हैं वे गधा बनते हैं। सुनिए सूक्ष्म वेद का यह अनमोल ज्ञान। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी, ये 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनसे जम जौरानी डरतम, कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई।
आठे साते करें कंदूरी सो तो बने नीच गर सूरी। अपनात्माओं कितनी गजब की बात कही है भगवान ने, कमाल कर रखा है कि ये चौदस नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ के ले जाएंगे, ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई होई। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधे गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ के है बता, करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो, एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी, इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाऊंगे। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार, गरीब दास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म धर्मिन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार यम द्वार नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी ताश गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रख्या करती व्रत करवा चौथ का, रखते हैं अभी लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते, और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में आओगी। इसलिए हमें ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करना चाहिए जिससे गधा बनना पड़ता है। वहीं इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब राग गोंड पृष्ठ 873 पर भी है, जिसमें कबीर जी ने कहा है छोड़ी अन्नू करही पाखंड ना सुहागनी ना ओही रण। अर्थात जो महिलाएं अन्न का त्याग कर व्रत रूपी पाखंड करती हैं, वह न तो सुखी दुल्हन होगी और न ही सुखी विधवा होगी। प्रश्न नंबर 4, यदि पत्नी के करवा चौथ व्रत रखने से पति की आयु लंबी नहीं हो सकती है तो फिर वह कौन सा उपाय है जिससे प्रत्येक प्राणी की आयु बढ़ सकती है? आज भ्रांतिवश बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है जिससे उसके पति की आयु लंबी हो सके, और दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि विधि का विधान अटल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर भाग्य से अधिक पाने की आकांक्षा क्यों? ये उतना ही हास्यास्पद है जितना विडंबनी। एक स्त्री और पुरुष दोनों ही परमेश्वर की संतान होते हैं एवं दोनों ही आत्माएं परमेश्वर को अति प्रिय हैं, फिर एक के भोजन और जल का त्याग करने से दूसरे की आयु वृद्धि की कामना करना कितना सही है? और यदि पत्नी के व्रत करने से पति की आयु बढ़ती होती तो करवा चौथ का व्रत रखने वाली माताओं बहनों के पति करता चौथ वाले दिन को ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तथा आज कोई भी महिला विधवा नहीं होती। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि करवा चौथ के व्रत करने से नहीं तो कैसे बढ़ेगी पति की आयु? तो पति की आयु ही क्या, प्रत्येक प्राणी की भी आयु बढ़ सकती है यदि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो, क्योंकि वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, और जौन से वेद में जौन से सदग्रंथ में यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में, उसको सबसम सूक्ष्म वेद बोलते, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के वाणी की पूरी विवरण है, और वो वाणी वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है।
यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी, नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते ना ही। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषावाच्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है, प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर नगर अब्राहिमपुर पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतने दान संस्थान, ठीक है दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्ट प्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे सत वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सर्दाए यानी सत माने 100, सर्द माने सर्दी ऋतु, नोगाग्रण इसने 40 दिवाली खा रखी है, ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्ट प्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है, ठीक है। एक और दिखाते हैं ऋग्वेद, ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है इनका, सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है, 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी एरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2, यहाँ देखिए। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है,
यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया है, गया है, गया ही है, तो भी उस रोगी को या इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद, और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यह वेद रख दिया, लिख दिया, वेद का किता प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है, या वेद नहीं लिखना था, इन्हें अपनी अज्ञान सोच अड़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम ना आवे नहीं थी, इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वेद, यहाँ वेद लिख दिया, अब पढ़निया ने सोचा वेद बूद कर देता होगा, वेद तो करे दे, वह दवाई अच्छी जानता होता है, नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया कितना है, वह दानदारी विधान को भूल गया, ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका ये दूसरा मंत्र है, दूसरा, अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोने याद रहा है इसका वेद लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुम्बड़ी, तुम्बड़ी का तुम्बा, एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने तकरीबन, पेठा तो सभी देखते हैं, इसी टाइप का एक मतीरा होता है तुम्बा, अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा, तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर कवर रह जाता है, उसको ज़्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या इकतारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले, तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर, वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे ऊपर आ जा, वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे उससे पहले वो ऊपर आ जावे। तो परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुम्बड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना, यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके, कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्र संख्या 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है, तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को, जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं, को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। प्रश्न नंबर 5, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अमर हुआ जा सकता है? संसार में आज तक जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, उन सभी की यही चाहत रही है कि वे अमर हो जाएं। परंतु अमर होना इतना भी आसान नहीं है। इतने ऋषि मुनि इसी कामना में हजारों लाखों वर्षों तक कठिन साधनाएं और जप तप करके चले गए, उनको भी अमरत्व प्राप्त नहीं हो पाया।
क्योंकि वे सभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा या फिर ब्रह्म साधना करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवतागण काल और देवी दुर्गा की कठपुतली मात्र हैं। इस विषय में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 10 व 11 में कहा है। सातवें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ। संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजों का तेज मैं ही हूँ। और ग्यारहवें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि, इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे या दो लड़के मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में भी लोनो पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपे, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जालिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कभी उछड़ उछड़ कर, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोषी नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन ठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूँगी, आपको यो विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बना कर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन ठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते हैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का, ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाकसार था ये। वहीं ये देवतागण किसी के भाग्य में परिवर्तन भी नहीं कर सकते, जिसका स्पष्ट प्रमाण देवी भागवत में है। श्रीमद देवी भागवत 3 स्कंद ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। इसके ये सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं, आपको बिल्कुल दो मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3 स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में ये सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है,
उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर दो प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है, तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इसे सिद्ध हो। दर्शकों, काल और देवी दुर्गा ने ही मिलकर यहाँ सभी को गलत पूजा में लगाकर भ्रमित करके रखा हुआ है, जिससे कोई भी मनुष्यधारी प्राणी पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति करके काल जाल से न निकल सके। इस विषय में संत गरीब दास जी ने अमर ग्रंथ के अध्याय हंस परमहंस की कथा की वाणी नंबर 37-43 में कहा है, माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला ओम सोहं का है खेला, शिखर शून्य में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायन महल पठाई, लाख ग्रासय नित्य उठ दूती माया आदि तख्त की कूती, 125,000 घड़िये नित्य भांडे हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे, ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए स्वप्न नरक बैकुंठ बनाए, यौ हरहट का कुआ लोई या गल बंधिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोरी बंधे कई बारा, अरब अलिल इंद्र हुए भाई हरहट डोरी बंधे सब आई, शेष महेश अरु गणेश तानी हरहट डोरी बंधे सब आई, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर हर डोरी बंधे सब खेवा, कोटिक करता फिरता देखिया हर हर डोरी कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावें हर हर डोरी बंधे सब आवें, यौ है खोखापुर का कुआ या मैं पड़ियासो निश्चय मुवा, अर्थात ज्योति निरंजन काल ब्रह्म केवश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा 84,000 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया दुर्गा से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करवाता है और फिर ये मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं क्योंकि नागिनी के बहुत सारे अंडे होते हैं, जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली सर्पणी की दुम के घेरे से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं, जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। इस विषय में संत गरीब दास जी ने कहा है, गरीब माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं, 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह काल बली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। वहीं ब्रह्म साधक ओम मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का तो यह ओम एक अक्षर है, जिससे श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 के अनुसार ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
और ब्रह्म स्वयं गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहता है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक बारंबार उत्पत्ति नाश वाले हैं, यानी ब्रह्म साधना से भी अमर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि परम शांति प्राप्त करनी है, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा चाहता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8 9 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूँ, यानी तत्वदर्शी संत से परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्र अनुकूल भक्ति प्राप्त करके हम सनातन परम धाम को प्राप्त करके अमर हो सकते हैं, जहाँ जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था का कष्ट नहीं है। उस लोक के विषय में संत गरीब दास जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। प्रश्न नंबर 6, वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा कौन है तथा उसका कहाँ प्रमाण है? दर्शकों, वेद हमारे सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति सत्य मानता है और यह भी मानता है कि इनमें जो ज्ञान दिया गया है वह प्रभु द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, जिसमें पूर्ण परमात्मा की महिमा दी गई है। तो हम इन्हीं वेदों से जानते हैं कि आखिर आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कौन है, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है। देखिए, अब वेद क्या बताते उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है? यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है, और उसी वैसी ही लीला वेद बताते हैं, तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, अगरम अगरम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं, आँखों देख कर भी जो नहीं मानता, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना थी। इसे नालायक आदमी तो कहते सपने में भी नहीं मिला, जो आँखों प्रमाण देख कर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा दिखाने लग रहा है, मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है, तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लगना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपना सफल होने के लिए। आप जी को इतने स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतीथि में, तीन प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए तीन प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, वहाँ से हल्का तेजपन रूप बना करके और दूसरे सतीथि में एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला परवर्ष की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी सतीथि में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं, और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष, पुरुष माने परमात्मा भगवान कंप्लीट गॉड कबीर है कुल के सृजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान करता वेद, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, मेरी महिमा तो कंप्लीट है, लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं वो ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ना के बताया, अरिविश दास को भेज रखा है, लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं, ये है ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये कौन इसके भाष्य, आर्य भाषा भाष्य, ये मुद्रक है। कमाल की बात है कि
जो व्यक्ति परमात्मा को निराकार बताते हैं कि वेदों में निराकार लिखा है, वो अनुवाद कर रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला उस परम पिता की, पुण्यात्मा आप पर प्रेम कर रखा है। यदि इन वेदों में ये ना लिख रखा होता, अनुवाद नहीं कर रखा होता इन्हीं के द्वारा, तो ये कभी भी आपको ऊपर न्याणे देते कि रामपाल दास साची कह रहा है, लेकिन वो तो अन्य प्रमाण बहुत से देता दास, और भगवान जो लीला करता वो करके दिखाते, प्रमाणित तो हो जाता, लेकिन और ज़्यादा समय लग जाता, ये भ्रमित करने वालों का दाव लगा रहता। अब इनका दाव कति समाप्त हो गया, इन्होंने अपने करकमल से अनुवाद कर रखा। अनुवाद सही है, उनकी सोच गलत है, उनका अनुभव गलत है। महर्षि दानंद ने सत्यार प्रकाश नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है, रचना की है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने इस पुस्तक का निर्माण वेदों अनुसार किया है, वेदों के प्रमाणों को हल्का सरल करके लिखा है, और उसमें स्पष्ट है कि वेदों के विपरीत ज्ञान है सारा। महर्षि दानंद और उसके सारे चेले परमात्मा को निराकार बताते हैं, उसका कोई स्थान नहीं है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और देख वेद क्या बताते हैं, वो एक देशीय है, भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है, और वहाँ विराजमान है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दानंद कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था पूर्ण रूप से, और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आर्य समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूँ कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों का समझ में आया, इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानव समाज लाभ उठाओ, सबका कल्याण होगा, हमने किसी से द्वेष नहीं। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजो में है, अगर वो एज इट इज आ जावे यहाँ पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोम कोप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोम कूप में इतना प्रकाश, इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके आते हैं, जैसे एक कक्ष में कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है, और एक 0 की भी है, या 10 वोल्टेज की है, सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान लेकिन प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी, इस ये देखो यह है कबीर, हम कबीर बोले बै बोला हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर हम इस यो कबीर लिखा कबीर, इस रे को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता, यहाँ अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहाँ कवि शब्द हो तो वहाँ अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहाँ भी नहीं किया जा सकता, तो यहाँ कबीर देव लिखना था। आपको प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये एक पुस्तक है ये दुर्वेद, इस पर ऊपर रह लगा हुआ है, अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है, ये
प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानवंद रामदान नई दिल्ली से, और ये महर्षि दान द्वारा इसका अनुवाद है, ये यहाँ से छपा। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, यह 63वां अध्याय यानी 36वां अध्याय 36 और यहाँ आगे हम ये यजुर्वेद है, और यहाँ देखिएगा इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, इसका दो अपसर्ग लगा रखे। अब इसका अनुवाद महर्षि दानदन जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद, तो यहाँ रे इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव, यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव, कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देते हैं, देव माने परमेश्वर, और कबीर माने कबीर, हम कबीर साहब कहने लग गए अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाह अकबर, वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाह अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था, ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सद्गुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल केसर तिनहार। उन्होंने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सीधा सारस बन जाता है, सब रास्तों को सुगम करता हुआ यानी उनके विघ्नों को संकटों को मर्दन करता है, अपन उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहाँ पर कबीर देव, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा द्यूलोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब यहाँ दो कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए, वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, द्यूलोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर, वहाँ तीन पार्ट है सतलोक के, ऊपर के जितने लोक हैं उनको तीन विभागों में बांटा हुआ है, तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा, और वहाँ से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली एक सेकंड में पहुँच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो वहाँ ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है, इसका मंत्र 1 है ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला नाश करने वाला है, राजेव राजा के समान राजेव, ये देखना हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नितिन यो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा, अब 270 पर दिखाते हैं आप, ये 270
राजा के तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण जोगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को, अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे। और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में, जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, ओहो, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट, कि जैसे आकाशीय बिजली आती है गतिशील होकर के यहाँ आते हैं। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन अपनी सोच थोड़ी लड़ाई है, आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चल कर आते, ऊपर ले दूर लोग के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहाँ से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3, इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहाँ वर्तमान है, वहाँ रहता है, भीतर से आता ही नहीं, वहाँ रहता है अपना आत्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में, वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है, जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, विद्वान यानी वही आकर के उस, वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में, यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था, अब दास सुनाएगा। आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूँ उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊँगा। अब दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं,
तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर हेला दे कर आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए और कूक कहा हम हेल रे, हमने सब जगह आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जो उस दिन की कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहाँ बताते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणक मोती बरसें, ये जग जगता ढेर रे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया और पर भी लेण जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं और वहाँ पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहाँ इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने संतों ने मिसगाइड किया हुआ है, वहाँ कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपसे पहले तो कछुए मछलियाँ मेंढक रहते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमियों है कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर, ये जा करके पर भी लेकर आओ या कोई अन्य मंत्र जाप करो या श्राद्ध निकालो, बल्कि मना किया है श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जा करके उनके नौकर लगते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और जो पितृ पूजते हैं वो पितृ लोक में चले जाते हैं और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ ना व्रत और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं चारों वेद ये गॉड गिवन हैं, लेकिन पांचवा वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया, उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा। तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में प्रारब्ध में आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का ये साधन मालिक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त करो। दर्शकों यही नहीं, वेदों में स्पष्ट प्रमाण दिया गया है कि कबीर परमात्मा अपने साधकों के सर्व पापों का नाश करके सुख प्रदान करता है और अंततः उसे जन्म मृत्यु से मुक्त करता है यानी मोक्ष प्रदान करता है। देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 32 में कबीर अंगारियसी बम्भारियसी, ये देखिए ये है यजुर्वेद और महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है। इसके प्रकाशक कौन है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इस दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है, ये लेखक नहीं है वेदों का, केवल अनुवाद करता है जैसे गीता जी के घड़े अनुवाद करता है। और मुद्रक ये हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिखाते हैं आपको, ये 5वां अध्याय और ये है नीचे 32वां मंत्र 32। यहाँ देखिएगा, उसी गसी
ये देखो कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोल देते हैं, बै अपने लैंग्वेज में हम बै बोलते हैं, कबीर अंगारी असी बम्भारी अविसुर असी। अच्छा, इसका इन्होंने अनुवाद किया है, ये देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, और अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। ये लिखना था, आप पाप के शत्रु हैं, पाप नाशक हैं। अब ये अनुवाद करता महर्षि दानंद का अपना ज्ञान सिद्धांत था कि भगवान पाप नाश नहीं करता, इसलिए इसने यहां बात उलझा दी। और फिर आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है भगवान पाप नाश कर देता है, वहां इसकी बसाई नहीं था। ये लिखना था, वो अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, वो पापों का शत्रु कौन है? कबीर। अब इन्होंने इसको, ये कबीर है, कबीर हम इसको कबीर बोलने लगे, और इसने ये कर दिया इसका कवि, और अर्थ कर दिया कांत प्रजय है। अब पहले हम इस, और फिर बम्बारी, ये देखो बम्बारी, बम्ब आरी माने, बम्ब माने बंधन, अरी माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, यानी हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, जो बंधन काट दे, बंधन तो छुड़वा दे। हम कबीर जी को, कबीर परमेश्वर को हम बम्बारी यानी हम बंदी छोड़ कहते हैं, और इसको लिखण का फर्क है, या बंदी छोड़ लिख दे, बंधनों का शत्रु लिख दे, एक ही बात है। अब जैसे इन्होंने यहां जो गलती की है ना, यह गलत कर दिया ये, अगर या तो फिर कवि ये लिख देते यहां पर, वो कवि हैं बस, फिर भी हम मान जाते न, कुछ ठीक करने की चेष्टा की। कबीर का अर्थ कांत प्रजय लिख दिया, ये कोई बात हुई? अब जैसे ये यजुर्वेद है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसका कहीं पर व्याख्या हो, अब दिखाते हैं आपको। अब जैसे ये इसी यजुर्वेद का अब 36वां अध्याय है, ये देखो ये 36 अध्याय यानी 36, और इसका ये प्रथम मंत्र है गेरा, इसमें ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द लिखा है। अब ये है यजुर्वेद के विषय में, और इसका कोई अर्थ कर दे वो गलत करेगा, इसका यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, यो जैसा कि इस महर्षि ने ये ठीक किया यहां पर, ये है यजु, इसका यहां अनुवाद किया है, वहां मूल पाठ था। ये देखो ये यजु शब्द है, और इसका यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये सही अर्थ बना यहां पर। यदि इस यजु का अर्थ कर देते यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, तो के बेराव का के है संग्रह, यज्ञ स्तुतियां लिख दे इसकी, यज्ञ स्तुति, तो यजु का अर्थ यहां लिखना पड़ेगा कि वह है यजुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है। तो ठीक, जहां इन्होंने कवि कर दिया उसको हमने कबीर देव पढ़ना पड़ेगा, कबीर देव लिखना था। देखो हम फिर आते हैं वही 5वें अध्याय के 32वें श्लोक पर, ये 32वां श्लोक यजुर्वेद का। अब यहां इसने जो कवि कर दिया, यहां लिखना था वो कबीर देव है बस, वो कबीर देव लिख देते, हम कबीर देव कहने लगे, देव को परमेश्वर, देव का अर्थ परमेश्वर होता है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव हैं। और देखो यहां लिखा है रित धामासी सवर ज्योति, रित धामा इन्होंने खुद लिखा है, रित धामा माने सत धाम युक्त, हम सत धाम कहो सतलोक कहो इसको, ये सतलोक रित धामा नो कारण यो फलाना, रित धामा माने सतलोक वाला, सतलोक का निवासी, वो कहते हैं ये फलाने गांव का है, यो फलाना वो गांव का है, तो ये ऐसे है कि वो रित धामा वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति, देख अड़ंगा के रखे अनुवाद का, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, वो स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है, कबीर उसका नाम है, और वो ही अंगारी है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है, वो कबीर अंगारी असी, ये कबीर हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर।
हम लिखण भी कबीर लागे, पड्डी की मात्रा भी लिख दें। अब परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में ना ही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। ये देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर अब्राहमपुर मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना है, और नीचे लिखा दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन, और इसका यहाँ अनुवाद करता है ये 9-10 मंडल हैं ये, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली। इसके 10वें सूक्त के 10वें मंडल के और सूक्त नंबर 49 में दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 49 49, इसका ये पहला ही मंत्र है, 49 सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं स्तुति करने वाले को, यानी पूर्ण परमात्मा अपनी महिमा वेदों में लिख रहे हैं, और इसका अर्थ है कि अहम दा ग्रहन्ते पूर्वम स्वयं ब्रह्म करणम। अब पूर्ण परमात्मा कहता है ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने ही की। अब यहां देखो इनका अनुवाद देखें, मैं स्तुति करने वाले को सनातन निवास योग्य लोक, सनातन ऐश्वर्य निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूं, मोक्ष भी प्रदान करता हूं और निवास योग्य सनातन लोक सनातन ऐश्वर्य, जहां जाने के बाद फिर कभी आपका सुख नाश नहीं होगा, वो प्रदान करता हूं। अहम ब्रह्म, ये देखो स्पष्ट ये भी पढ़ना पड़ेगा हमने, नहीं तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। अहम ब्रह्म करणम, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, ऐ तरह गजब। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी सतपुरुष ने ब्रह्म की उत्पत्ति की थी। फिर मूल संस्कृत पढ़ो, अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म को, करणव उत्पन्न करता हूँ, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत गलती करी है अनुवाद में, उसको हम शुद्ध कर लेंगे अपने ज्ञान से। और यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है, ये वेद मेरी ही महिमा करता है, चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं। यज्ञ दान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। कहता सब ये दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़ गए हैं उनको मैं ही लाता हूँ, यहाँ पर मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ, हराता है यानी हराता हूँ, यानी कहने का भाव यह है कि मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है और जो मेरी सतभक्ति करते हैं मेरी स्तुति करते हैं उनको सनातन लोक, सनातन माने शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ, और वहाँ से जब हम चले गए तो ऐश्वर्य आप पर रहेगा, वहाँ सारे ठठ ठठ मृत्यु नहीं, कभी कोई बुढ़ापा नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म करण, मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ, या वेद नहीं यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और मह्यम वर्धनम, और ये जो जो वेद हैं वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दानक कबीर ने, जुलाहे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परम अक्षर ब्रह्म ने
अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहाँ सब सतीति से परिचित करवाया, तब वो वापस आया, उसके शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर के कहा कि हे परमात्मा, हम तो इन श्री राम श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं, इनमें इनके बारे में बताया कि अजरो अमर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही, झूठे तो वो हैं जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते, इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, भूल गया सृजनहारा। ऐ भगवान पर तुलसी के पत्ते चढ़ावे, फल फूल चढ़ावे मूर्ति के ऊपर, कहते तो सृजनहार को भूल गए तुम। दर्शकों, इस सृष्टि के सृजनहार के विषय में ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर युक्त है, जो साधकों के लिए पूजा करने योग्य है, जिसकी प्राप्ति तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए वास्तविक भक्ति मार्ग से देव स्वरूप भक्त को होती है। फिर ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि जो पूर्वोक्त परमात्मा कवियों की भूमिका करके अपना तत्व ज्ञान प्रदान करता है वह कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है, जिसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं पर है। वह सदा एक रस रहता है अर्थात मरता व जन्मता नहीं है, वह मनुष्य सदृश शरीर से सुशोभित है। वहीं अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है कि जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी सबसे बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर आत्मा का आधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का त्यों, वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है, तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है, तथा परमेश्वर भी यही है। दर्शकों, वेदों के इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, और उन्हीं की शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारी आयु बढ़ सकती है। तथा सच तो ये है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी जन्म मृत्यु में है। केवल सतलोक ही अमर लोक है, जहाँ जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर जन्म मृत्यु में नहीं गिरता, और सतलोक की कामना करने वाले शास्त्र विरुद्ध नहीं, शास्त्र आधारित भक्ति मार्ग पर चलते हैं। व्रत रखना मतलब भूखे प्यासे रहकर अपनी जिद परमात्मा से मनवाने की कोशिश करना शास्त्र विरुद्ध पूजाएं हैं। ऐसे हम सुखी नहीं हो सकते, और यदि हम पुरानी रीति रिवाजों को मानते रहेंगे तो हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि तत्वदर्शी संत की तलाश कर पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति करें, क्योंकि हम यहाँ काल के जाल में फंसे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में कष्ट भोग कर एक मनुष्य जीवन मिला है, उसे बर्बाद ना करें, अभी समय रहते जाग जाएं। इस शरीर से परमात्मा को पहचान कर सतभक्ति करके परमात्मा को पाने का प्रयास करें। दर्शकों, आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, जिनके आध्यात्मिक सत्संगों को आप संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर प्रतिदिन सुनकर पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथा उनसे सतभक्ति प्राप्त करके अपने मानव जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, आज के इस दौर में लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान में आस्था रखने वाली भिन्न भिन्न साधनाओं में लगे हुए हैं। कोई मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता है, तो कोई सोमवार या शुक्रवार का। एक ऐसी ही सच्ची कहानी है रोहतक की रहने वाली शीला देवी जी की, जो दुर्गा जी और हनुमान जी का व्रत किया करती थी, शिव जी की भी भक्ति किया करती थी, इस उम्मीद में कि इससे भगवान से सुख मिलेगा। इसके बावजूद इन्हें घर में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनका बेटा बीमार हो गया था और इन्हें स्वयं भी शारीरिक समस्याएं थीं। साथ ही ये आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी।
लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर सत भक्ति करना शुरू किया तो इन्हें अपने सभी दुखों से छुटकारा मिल गया। जहां पहले इनके पास बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरी भी मिल गई। शीला देवी जी की शारीरिक समस्याएं भी दूर हो गईं। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं शीला देवी जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शीला जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव मातनेल जिला झज्जर जी रोहतगढ़ रह रहे हैं जी फिलहाल। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2002 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करती थी जी, मेरे तो व्रत करती थी जी, शुक्रवार के भी दो व्रत करे मैंने, एक एक साल के, और जी शिव जी का भी बोड़ा का इनका, और आखिरी में तो हनुमान का करूँ थी उस टाइम जब संत रामपाल जी महाराज मिले। आपने बताया आप शेरा वाली माता, शिव जी और हनुमान जी के व्रत करते थे, तो इन सब साधनाओं को करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? कुछ भी कोई ना है जी, खराब माटी हो रही थी नहीं, सोच ले करा जरूर थे भाई, भगवान समझ के लाग रहे थे हम तो, न्यू तो बेरा नहीं था भगवान हो के है चीज़ है, पर न्यू बेरा था भाई भगवान तो सुख मिल कर रहे हैं, और भाई जोर देखा कराया करते भाई बड़े बुजुर्ग ना ला रखे हम उससे हिसाब तो लाग रहे थे। एक गाँव मतनेल में मंदिर है मुथरापरी का नाम, तो उड़ा आए सोमवार न जोत लग गए है, आए सोमवार जाया कर दे मुथरापरी पर, और बड़े वाला लड़का ईसा हो रहा था उसमें इतने भाव थे भाई, वो लड़का भी मैंने लगा दिया था अपनी इतरियाँ, उस जब स्कूल में जाया करता जब सोमवार न उड़ा जोत ला के आ जाया करता, ये भक्ति कराया कर दे, दुखी बहुत थे। एक तो गुड़िया थी वाड रहा करती, कलकी मारा कर दी, अच्छे छोटे बालक थे इसकी पिचाणुआ की बात से या गुड़िया हो रही थी, और उस टाइम में एक तो गाँव मरी फिर बाछड़ी मरी थी, मेरा बड़ा लड़का बीमार हो रहा था उसने दादरी लेके गए थे, बहुत खतरे में था, मेरे मकान का शमी भी जे डॉक्टर है मारा तो अंकल लग गया करता, वो बुला के लिया उसने देखा बोला भाई इसने जितना जल्दी हो इसने ले जा छोरा तो मुश्किल लग है बचना, वो दो तीन बार गाड़ी वाला ने कहा गाड़ी वाला थोड़ा लेट हो गया, फिर बार बार उसने दो चक्कर काटे अंकल ने बोला भाई ले जा तू गाड़ी वाला ने जल्दी बुलाओ, दादरी लेके चले गए। दादरी लेके जाने के बाद में लड़का कति न्यू मुट्ठी न्यू भीचा था न्यू झटके से मारा था, फिर उड़े तो उन्हें भेज दिया बयानी भारत वाज गए, फिर उस टाइम में मेरी सास भी मर गई थी, इसके पापा उड़ लेके जा रहे थे इसने, और गाय थी गाय भी मर गई थी, फिर उसकी बछड़िया थी वह भी मर गई थी, और गुड़िया भी झटके से मारन लग गई थी, कति इसका ताऊ तो और सारे हाथ मसड़े थे, फिर गुड़िया ने जुलाना लेके गई थी मैं, फिर उड़े दिखा के ले आई थी, उसके बाद में नहीं भाई के भाई गुड़िया डर रहे है अच्छी शैणी हो गई थी, मेरे शरीर में पिंडिया में और शर्म में सारी बार दर्द रहा करता, सारी बार गोली लेनी पड़िया कर दी, सारी बार लुगड़ी बांधी रहा कर दी, शाम ने तो है ना पाया करे नाता का चुन्नी बांध के पीछा छुटा करता। बहन जी, शिव जी भगवान की भक्ति साधना करने के साथ साथ जब आप अन्य साधनाएं करते थे तो उन सब साधनाओं से आपके घर में दुख ही दुख आ रहे थे, आपके बच्चे बीमारी से ग्रस्त थे और आपके शरीर में भी परेशानी रहती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संतोष है उसने बताई थी एक बरवा आ गई मारा घर ने, और तो वह ने बोली भे तू राम का नाम ले ले, मैंने बोली भे राम का नाम के वो है बोलिया उड़ करो थे है ना संत रामपाल जी महाराज हैं और वो नाम दे हुए हैं, और वो 108 बार रटना है और जितना रटे इतना लाभ हो, चाहे में भी बीमारी हो और चाहे कि में किसी स्थिति हो घर की सारे लाभ मिलना है, फिर आप एक दिन इसी दया हुई जिस तरह न्यू मन में आई कुछ बेबे ने कह देना है अगर बेबे आज नाम दिवा लिया मजा कि उसने कह आई मैं कहा बेबे तू आज नाम दिवा लिया होगी ना बोले बे दिवा लियाँगी हम त्यार त्यू रो लिए फिर इसका पापा फिर मैं फिर वह बेबे जो नाम दिवाण वाली है वाह। जब हम आश्रम में पहुँचे जब गुरु जी आके चरणा में बैठे थे तो गुरु जी बोले बेटी नाम ले ले, मैंने बोली गुरु जी आ जाए प्राण मुँह करके, मैं कहा गुरु जी आ जाए मैं बुझूंगी, फिर बोले बोले थोड़ी देर पाछे फिर बोला बेटी नाम ले ले, मैंने बोली गुरु जी पूछूंगी, फिर गुरु जी ने फिर कही और तो फिर
गुरु जी ने बोले बेटी पूछ दी है रह जाए कि बेटी नाम ले ले। फिर वो बेबर ने बोली बेबे किसी ने भी ना कहा कर दे गुरु जी ने तो और तेरे ताई तो कही बर कह ली नहीं कही पाछ। फिर थोड़ी देर पाछे मैंने नाम ले लिया, बड़ा भाई ने भी ले लिया। फिर थोड़ी देर पाछे उसका पापा भी आ गया, उसने भी ले लिया, हमने न्यू नाम लिया जी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त तो जी है धीरे धीरे, देखो आरती सती तो कमजोर थी ये हर एक चीज ते, तो शरण माने के बाद में बड़ा लड़के का ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ब्यों तो नहीं मारा इतना और उसमें तो भाई पैसा है कि अच्छा जमींदार के बालक पढ़ सके, मार तो जमीन भी थोड़ी सी थी। एक साल उसका करवा दिया, अगली साल दोनों बालक छोरी का छोरा का और करवा दिया। मन न होगी चिंता मगर बीच में छोड़ेंगे स्कूल वह भी बेचती हो गिर बड़का की पढ़ाई खराब होगी हैं और इतना पैसा आवागा कितना है। मैं गुरु जी या दो सत्संग मजा आ रही थी, मैंने बोली गुरु जी मगा तीनों बड़का का गुरु जी ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अपने कहन भी लाग गए थे और भी आसपास वाले बोला ईसा स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, बोला पढ़ा भी लेंगे। और मखा गुरु जी ने बोला बेटी भक्ति कर, तो भक्ति करी जा बोला बेटी परमात्मा दया करेंगे। गुरु जी ने यह बात कही थी वह धीरे धीरे भाई परमात्मा ने पढ़ा भी दिए और मालिक ने प्राइवेट नौकरी भी लगा दिए। एक तो गुड़िया डरिया करती जी वह नहीं डरी बिल्कुल भी, और एक बालक बीमार नहीं हुए उसके बाद बिल्कुल भी। छोटा लड़का ने नाम छोड़ दिया था, नाम छोड़ने के बाद में 2015 में उसका डेंगू हो गया, तो डेंगू हो गया तो मैं चली गई उसका साथ, दो तीन दिन रही उसका साथ। तो फिर सत्संग था रहे संत रामपाल जी महाराज का पुराना बस स्टैंड का पास, उसमें बेरा लग गया भाई सत्संग है। मैं कहा बेटा सत्संग है, मैं एक बार गुरु जी का सत्संग सुनया हूँ, मैं भेज दूंगी घर तक कोई उसने बोला मम्मी जाओ, उसने बताया ही बड़का था ही बता दी। और तो मैं चली गई, चली गई तो मैंने जीसी डंडो प्रणाम करी, थोड़े इसके पापा थोड़े है अनाड़ी ही है शुरू ते। और तो मैंने बोली मखा ये परमात्मा जब भक्ति करे ना तो बचा लियो, और जब भक्ति नहीं करे और जब इसका पापा कैसा निकला तो परमात्मा बेशक ही बैठा लियो। जोत चालू थी परमात्मा की, मन तो या कही थी रो के न ले आके न श्याम ने, जिस तरह मैं फिर उड़ा चली गई सत्संग के बाद मेडिकल में। मेडिकल में गई सबेरा कति दिन लगड़ रहा, संत रामपाल जी महाराज आए, परमात्मा ने दर्शन दिए। गुरु जी है कि मन बाजू पकड़ के गुरु जी तो बात करती रही। संत रामपाल जी महाराज ने दो तीन चक्कर लगाए ओलेर सोले और ओले सोले, मैं बोली गुरु जी मेरे दोनों बेटा का डेंगू है। और तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, मैं बोल ली गई और गुरु जी चले गए। सुबेरा जिस तरह मेरी उगड़ी आँखें एकदम, तो उस भाई का कति सीला शरीर ना तो ताता बढ़ा करता 24 घंटे ना भी रखा पर, तो उसका टिक्के बोतल चढ़वाया कर दी रात ना मैं उठ के ना। और तो मैं हाथ लाया, पहले तो पाया का हाथ लाया पाँ ठंडे आखड़ी जी, फिर मैंने हाथ पकड़ा हाथ ठंडा, फिर मैंने माथे का हाथ लाया माथा ठंडा, न्यू को इतने वो करी पाच मरा क्या पानी आ गया। इतनी देर में छोरा भी उठ लिया, बोलिया मम्मी क्यों रो हो? मैंने बोली भाई क्यों भगवान ने दुखी कर रहे हो, तुम भक्ति ये कर लो ना। बोला मम्मी को नहीं मेरा बुखार ही, मैं ठीक सू, मैं खतरा चढ़े भी को नहीं आई बुखार मखा, गुरु जी आए थे मखा है और परमात्मा ने दया करी है। तो भाई फिर उसने नाम लिया, थोड़ा कोई और झटका सा लाया परमात्मा ने लग गया, और वो झटका भी ऐसा था परमात्मा का ना जब मस्तक में सोड़ी हो तो काटे में टल जा, तो संत रामपाल जी महाराज ने काटा भी नहीं लागण दिया, वो बच्चा पहल में उड़ा तो फारक करके परमात्मा ने अपनी चरणा में ला लिया। फिर उस भाई के 2 साल पहले वो जा था गुड़गांव में, गुड़गांव में बोला मैं नौकरी करूँगा। मैं कहा भाई गुड़गांव में किस जागा तू रहने दे ना, बोला मैं जाऊँगा। मैं कहा भाई जा, चला गया वो। फिर वो एक बार तो इंटरव्यू दी आया, फिर बैग बुग लेके जान ला गया और तो फाइल ले ली उसने कागजा की सारे की। और तो मैंने बोला भाई इस फाइल ने तो रहने दे कि ते कंपनी में इंटरव्यू हो ना, जब ले जाइए इस कागजा का काम ऐसा हो भाई ना बेरा कित खोजा सो बात हो है। मैंने बोला ना मैं अपना पास रखूंगा, अड़े कित आऊँगा इंटरव्यू देना होगा, जो कोई कागज की जरूरत पड़ेगी इसी अड़े तो अड़े दे लूँगा, वो कह के चला गया। फिर वो आवा था कुछ दिन उड़ रह के नर, वो कागज उसके गए गुम हो गए। तो उसने बताई कई दिन पाछे सारे कहने हो भी कागज खो दिए और उस छोरे का कति माड़ा है भी असर नहीं आ, मुँह सुना कहाँ भाई ये चीज़ तो संभाल के रखन की ओ है और उसका कोई असर नहीं, कितने तना नौकरी मिलेगी क्यों होगा। नहीं बोला जो करेंगे परमात्मा करेंगे, आप आ जाओगे आप घर ना आओगे, नहीं करिए गया वह कागज तो घर ना आए पर और बनवा लिए, पर वह और बनवाने था पल में
बिना कागज मिल ली परमात्मा ने उस छोटा लड़के ताई नौकरी दे दी मानेसर में, और वो फिलहाल ही नौकरी कर रहे हैं। 2 साल हो गए। एक बार मैं तूड़ा लेने चले गए सत्संग में, आके ने कपड़े सुखा रखे तो वह न्यू के न्यू पैर लिया, आके ना मन ने देखा को नहीं के लाग रहा के नहीं। जो जो दिन ऊपर को होता गया, जो जो मेरा ज़्यादा तकलीफ होने लगी, फिर वो पछी ने देखे भी सारे बोले ये ठीक के लाग रहे हैं। मन देखा फिर गुरु जी का ज्ञान इतना तगड़ा था, ये न्यू बेरा था भाई कुछ भी को नहीं होगा, किसी ने कर दिया तो कर दिया। न्यू करती करती ज़्यादा दिक्कत बढ़ती करी, जब मुद्दी सोऊँ तो मुद्दा बड़ दर्द हो जाए, सीधी सो तो सीधा बड़ दर्द हो जाए, इस बड़ करोट लियो तो इस बड़ दर्द हो जाए, चारों बड़ दर्द हो। तो इसका पापा बोला जा बेटा तेरी आंटी ने बुला के लिया, जिसने नाम दिवाया था मेरे ताई उसने बुला के लिया। वो बोला भाई गुड्डी देखे न्यू नहीं हो रहा है, ये बोले ये ठीक रहे न्यू करो, आप आश्रम में जाओ और गुरु जी तो प्रार्थना करो। अले हम उड़ता चल पड़े आश्रम में, और वन बोली बूझ लिए गुरु जी ने, गुरु जी ये कपड़े नहर में बवा वहाँ के फूका। तो गुरु जी हम गए जब परमात्मा ने सामने न्यू बैठे थे, हम चले गए गुरु जी तो बात हुई तो दर्द गंगा था जिस तरह न्यू भी नाड़ ना हुए थी। गुरु जी आगे आगे बैठे, गुरु जी तई बता दी माँ गुरु जी न्यू दिक्कत से और परमात्मा ये कपड़े फूका के करा ना। बोला बेटा इसे नए कपड़े कितना फूकण ना हो और क्यों बगाओ फिर ये बोला बेटा कुछ ना हो। और मैं बैठी बैठी न्यू करूँ माँ न्यू देख लू दर्द से एक ना इबी भी तो माम तो भाई वाई बात जी हाँ के बेरा और तो बिल्कुल भी दर्द नहीं था। उस दिन के बाद कोनी दिक्कत हुई मेरे, यो आराम होया परमात्मा की शरण में जाने के बाद में। अरे एक गुड़िया जब जिस तरह उसने पेपर देने जाना था और वह जान नहीं पाई थी, और तो जब गुरुजी तो प्रार्थना करी थी गुरुजी मैं तो पुस्तक सेवा कर लूँगी, गुरुजी बोले जब गुरुजी ने कही थी जाओ बंदी छोड़ की मेरी बेटी बोला सेवा करिए बोला बेटी ईसा रिजल्ट आओगा कदे भी नहीं आया। जब वह पास हुई ना नौवीं क्लास में थी कि दसवीं में थी, जो वह मेरिट आई थी पूरा स्कूल में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपके परिवार में जो शारीरिक बीमारियां थी वो सब दूर हो गई, तो आज लाखों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जी प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के अब भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। धन्यवाद जी, सच्चाई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।